नागपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां काम कर अपने पति के इलाज के लिए पैसे जुटाने वाली अपनी ही पत्नी को शक के चलते पति ने हथौड़े से वार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना शहर के नंदनवन परिसर की है। मृतक महिला का नाम अर्चना रमेश भारस्कर है। मृतक और आरोपी की दो बेटियां भी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी नंदनवन की गली नंबर 12 का निवासी रमेश भारस्कर है, जो कि शराब का आदी है और काफी शक की किस्म का है, जिसके चलते आरोपी की पहली पत्नी भी उसे शादी के महज कुछ महीनों बाद ही छोड़कर चली गई थी, क्योंकि आरोपी अपनी पहली पत्नी और अपने ही पिता के बीच संबंध पर शक किया करता। पहली पत्नी के छोड़े जाने के बाद भी आरोपी रमेश भारस्कर बाज नहीं आया और दूसरी पत्नी मृतका अर्चना रमेश भारस्कर पर भी शक किया करता, जिसके चलते मृतका भी करीब 6 सालों से अपनी दोनों बेटियों के साथ अमरावती में अपनी मां के घर रह रही थी। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले आरोपी रमेश की तबीयत काफी बिगड़ गई थी, जिसकी जानकारी मिलते ही आरोपी की पत्नी अपने दोनों ही बेटियों के साथ आरोपी का ख्याल रखने वापस लौट आई। आरोपी मछली बेचने का काम किया करता था, पर उसके इलाज के लिए महिला छोटे मोटे काम कर पैसे जुटाती और इस पर भी आरोपी पत्नी पर शक किया करता। गत सोमवार रात को महिला काम से लौटकर अपनी बेटी के साथ घर के पास में ही रहने वाले अपने देवर के घर चली गई, जहां से वो रात 12 बजे लौटकर अपने घर आई। इसी बीच शक्की रमेश ने अपनी पत्नी से विवाद किया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने पास रखे हथौड़े से महिला पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और रात भर महिला के मृत शव के साथ ही रहा और तड़के सुबह 5 बजे घर का शटर बंद कर बाहर चौक निकल गया और अपनी बुआ को कॉल कर घटना की जानकारी दी। घबराकर आरोपी की बुआ ने उसके छोटे भाई को फोन कर ये बात बताई। जब आरोपी का भाई उसके घर पहुंचा तो वहां उसकी भाभी खून में लथपथ मृत पड़ी हुई थी। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। नंदनवन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। इस मामले की अधिक जानकारी दी है खुद आरोपी के भाई ने। वो मेरी भाभी है, वो बड़े भैया की पत्नी। वो कल रात 10:30-11 के आसपास मेरे घर में ही बैठी थी, बातें कर रही थी मेरी बहन के साथ में, और फिर वो अपने घर में चली गई। फिर उसकी छोटी लड़की, बड़ी लड़की है, वो मेरे घर में सोई थी और ये दोनों घर में थे भैया भी। और वो कभी पता नहीं क्या हुआ उनका वाला। फिर सवेरे आते का फोन आया कि इसने उसको मार दिया करके। तो फिर मैं जाके देखा तो ताला लगा था। फिर वो चाबी वो बाहर चौक में खड़ा था, तो उससे चाबी मांग के लाई और वो ताला खोल के देखा तो वो पड़ी थी, पूरी खून खून था आजू बाजू। उससे फिर मैं वहाँ से आया गाड़ी लेके आप नंदनवन थाने में और रिपोर्ट दिया। उसको मेरे घर में सोई थी, उसको भी बोला था वहाँ मेरी बहन ने कि आज के यहीं पे सो जा, तो बोले नहीं सवेरे काम पे जाना है करके, वो जल्दी उठना है करके मैं उधर सोने चले। उसके कोई आइडिया नहीं फिर, हाँ दारू पी रहा था वो, झगड़ा करते रहे। ये तो मालूम नहीं, छोटी छोटी बातों पे होते रहता था उनके झगड़ा। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।